हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, चैप्टर थर्ड हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप को एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेटा नाम से ही क्लियर है, चैप्टर के कार्बन होगा और कार्बन के कंपाउंड हमें इस चैप्टर में स्टडी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कार्बन। क्या है बेटा कार्बन? कार्बन सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। कार्बन हैव टू सेल, फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट आई मीन सेकंड सेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंसी फोर मीन्स दे आर टेट्रावैलेंट। इट इज क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? कार्बन सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा। 6 मीन 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा दो सेल हैं, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंस इज 4। दिस इज द टेट्रावैलेंट। कार्बन कैसा होता है बेटा? टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, मीन्स बैलेंस ही 4 होती है। कार्बन इज द नॉन मेटल। क्या होता है ये बेटा? नॉन मेटल। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 0.02% एंड एटमॉस्फेयर में 0.03%। अर्थ क्रस्ट में कितना है बेटा? 0.02% एंड एटमॉस्फेयर कार्बन जो है इन द 0.03%। कार्बन अकर इन मेनली टू फॉर्म, टू स्टेट, कंबाइंड एंड फ्री स्टेट। कार्बन अकर इन मेनली टू स्टेट, फ्री स्टेट में एंड कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब बेटा कार्बन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड फॉर्म में। फ्री स्टेट का मतलब अकेले, ओनली कार्बन, नो अदर एटम आर प्रेजेंट, नो अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विद द कार्बन, ओनली वन एटम कार्बन। तो कार्बन सिंबल सी होता है बेटा, नॉन मेटल है, 6 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंस ही 4, दिस इज द टेट्रा वैलेंट इन नेचर। समझ में आया? फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट दो स्टेट होते हैं कार्बन के, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है या तो कंबाइंड स्टेट में। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज 0.02% एंड एटमॉस्फेयर में 0.03%। ओके, कार्बन जो है बेटा, कार्बन इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रावैलेंट होता है। और दूसरा ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन एक इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी इट्स सो यूनिक प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू कैटनेशन प्रॉपर्टी इट्स सो यूनिक प्रॉपर्टी। कैटनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी नेचर, यही रीजन है कि कार्बन्स कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं बहुत लार्ज नंबर में है। कार्बन कंपाउंड मीन्स होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। बिना कार्बन के कोई कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होता। अगर बेटा कहा जा रहा है कि दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस इट मस्ट बी कंटेन कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला कंडीशन है कि उसमें कार्बन जरूर होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर ज्यादा होने का रीजन यह है कि
कि कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, लार्ज नंबर ऑफ आइटम से कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। प्रोटीन, विटामिन, जितने भी कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब क्या है? कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, सब क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ड्यू टू कैटिनेशन, मेसन कैटिनेशन मीन्स होता है बेटा सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज मीन्स, सेल्फ लिंकेज मीन्स कार्बन टू कार्बन लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा बिग मॉलिक्यूल बनाता है। कौन बेटा? कार्बन। क्यों सेल्फ लिंकेज ज्यादा होता है बेटा? क्योंकि बेटा इसका जो साइज है, साइज बहुत स्मॉल होता है, साइज स्मॉल है, तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड स्मॉल होगा और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो कार्बन टू कार्बन क्या बनाएगा? एक बिग मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी कहते हैं बेटा कैटनेशन और सेल्फ लिंकेज। टेट्रावैलेंसी का मतलब बेटा बैलेंसी फोर होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर क्यों ज्यादा है? क्योंकि कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मस्ट बी कंटेन कार्बन, उसमें कार्बन होता ही है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया बेटा कार्बन के बारे में? कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू टेट्रावैलेंट, ड्यू टू कैटनेशन प्रॉपर्टी, कैटनेशन प्रॉपर्टी का शो करता है, टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, इसलिए ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन क्या है बेटा? मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। वैलेंसी कितनी होती है? फोर होती है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो समझ में आया बेटा? तो हमने बेटा बात किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कॉन्टेन कार्बन, पहला कंडीशन है, उसमें कार्बन जरूर होगा। नेक्स्ट है कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ऑल दी कार्बन कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक, बट अगर ऑर्गेनिक है तो उसमें कार्बन जरूर होगा। और कार्बन टू कार्बन क्या होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है बेटा अदर कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स। अगर कार्बनिक कार्बन कंपाउंड्स है मींस कार्बन है और अदर एलिमेंट्स, और कार्बन टू अदर एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कह सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कह सकते हो बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी उनको कह सकते हो, क्योंकि कार्बन होता है, कार्बन टू अदर एलिमेंट्स होता है, और कार्बन टू अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा ऑलवेज, क्योंकि कार्बन ना तो किसी से एक्सेप्ट करेगा ना किसी को डोनेट करेगा, शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? शेयर कर लेगा। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट बी कंटेन कार्बन, एंड कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेटा फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी में फ्रॉम वोहलर ने प्रिपेयर किया था इन द लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर लेबोरेटरी, कौन है बेटा? कौन है? यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी यूरिया, फार्मूला NH2CO NH2 फ्रॉम वोलर। वोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, यूरिया था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बेटा? ऑर्गेनिक। किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से। तो इसको बेटा बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कि कार्बन का जो पहला स्टेट है वो कौन सा है बेटा? फ्री स्टेट। फर्स्ट स्टेट ऑफ कार्बन जो स्टेट है वो क्या है बेटा? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, फ्री स्टेट। इन द फ्री स्टेट कार्बन एग्जिस्ट एज ए
डायमंड, फ्री स्टेट का मतलब ओनली वन कार्बन, उसके अलावा और कुछ नहीं, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एज ए ग्रेफाइट एंड एज ए बक मिस्टर फ्लोरीन, बक मिस्टर फ्लोरीन, समझ में आया बेटा? फ्री फॉर्म मतलब ओनली वन कार्बन, अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एज ए डायमंड, एज ए ग्रेफाइट एंड एज ए बक मिस्टर फ्लोरीन। ये तो बेटा कार्बन के डिफरेंट फॉर्म हैं, मीन्स कार्बन ही हैं बट फॉर्म इनका अलग अलग है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट केमिकल ये क्या है बेटा, डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रॉप, मीन्स ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है। क्या है बेटा? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? फ्री स्टेट ऑफ कार्बन एज ए डायमंड, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, बकमिस्टर फ्लोरीन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, ओनली वन, फ्री स्टेट का मतलब ओनली वन, केवल कार्बन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने क्या कहा बेटा, केवल कार्बन है, किसमें? डायमंड में केवल कार्बन होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन होता है, उसका एग्जाम्पल हमने दिया। ग्रेफाइट भी क्या होता है? केवल कार्बन होता है बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। हमने कहा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रॉप, दिस इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। समझ में आया बेटा? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन ये क्या है? फ्री स्टेट ऑफ कार्बन और यही है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप कुछ नहीं है, एलोट्रॉप डिफरेंट फॉर्म ऑफ किसी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन ही है बट फॉर्म, उसका फॉर्म अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी सम है। अगर तीनों को बेटा वर्ण करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो तीनों से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कार्बन है ही सिर्फ। तीनों को बेटा जला दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ रिमेन नहीं बचेगा। समझ में आया? अरेंजमेंट इनका कार्बन का डिफरेंट है तो इसलिए डिफरेंट फॉर्म है। ये क्या है बेटा? फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। इसको हम क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है बेटा? डायमंड। डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इन डायमंड कार्बन वन कार्बन अटैच टू अदर फोर कार्बन एटम means कार्बन इज sp3 hybridized, ओके, समझ में आया बेटा? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है? डायमंड होता है। एक्स्ट्रा वैलेंस इन नेचर होता है मीन्स बेटा लाइट पड़ने पर बहुत ज्यादा इससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, बहुत चमक प्रोड्यूस होता है। एक्स्ट्रा वैलेंस इन नेचर। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन डायमंड वन कार्बन एटम टू अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम मीन्स कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। हाई मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी। मेल्टिंग पॉइंट बेटा अबव 3500 डिग्री सेल्सियस। ओके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस वन कार्बन एटम टू अदर फोर कार्बन एटम कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, एक्स्ट्रा वैलेंस इन नेचर, ओके, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में बेटा? तो ये है बेटा डायमंड। यूज क्या है डायमंड का? यूज ग्लास कटर,
ग्लास कटर एंड ज्वेलरी में। कहाँ बेटा? ज्वेलरी में। तो बेटा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।